Assalamu alaikum. Here, Bushra Mumtaz with you. I think that you all of you very well and doing practice a lot. तो आज हम सीखेंगे रीडिंग स्किल्स के बारे में. हमें पता है कि टाइम बहुत कम होता है और हमने एक जो टेक्स्ट है जो मोर देन 400-500 वर्ड्स का आपको दे दिया जाता है उसको बीट करना है, लेकिन टाइम हमारे पास 10-15 मिनट्स है. सो इसके लिए जो मेथड यूज़ होता है वो एस मेथड कहलाता है. एस मेथड मींस स्किमिंग एंड स्कैनिंग. स्किमिंग और स्कैनिंग ये एक ऐसी हैंडी टेक्निक्स हैं जो आपके एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत मदद करती हैं. लेट्स हैव अ लुक के स्कैनिंग किसको कहा जाता है. लेट्स हैव अ लुक ऑन स्कैनिंग. स्कैनिंग मीन्स टू रीड क्विकली अबाउट द स्पेसिफिक फैक्ट्स. ठीक है, आप जो स्पेसिफिक फैक्ट्स होते हैं उनको बहुत जल्दी पढ़ रहे होते हो. दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हो कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, कि आप देख क्या रहे हो. आपने पूरे पैसेज को पढ़ने के बजाय जब सबसे पहले एमसीक्यूज को रिव्यू करते हो, उनको देखते हो, तो आपको कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं. जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसका थोड़ा सा जिक्र किया था कि वो आपसे कोई डेट पूछ लेता है, कोई नेम करेक्टर का नेम पूछ लेता है, या इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ लेता है. तो बजाय इसके कि आप जो पैसेज की रीडिंग शुरू करते हो, आप उस स्पेसिफिक डिजिट, उस स्पेसिफिक नेम को फौरन से पढ़ना यानी सर्च आउट करना शुरू कर दो. पैसेज नहीं पढ़ना, सिर्फ वो ख़ास स्पेसिफिक नेम आपने या डेट आपने उसमें से देखनी है. सो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं. रीड द क्वेश्चन फास्ट एंड सर्च फॉर द कीवर्ड्स और आइडियाज़ एसोसिएटेड विद द क्वेश्चंस, के आपको क्वेश्चंस के अंदर ही कीवर्ड्स और आइडियाज़ मिल जाते हैं. उन कीवर्ड्स और आइडियाज़ को ही आप फिर स्कैन करते हो. दूसरे वर्ड्स में आप इसको कह सकते हो लेस रीडिंग एंड मोर सर्चिंग, कि आप रीडिंग कम करते हो, सर्च ज़्यादा करते हो. द ब्रेन हंट्स फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ओनली पे अटेंशन टू द वर्ड डिजिट नेम और फ्रेज यू आर लुकिंग फॉर, कि आपकी जो रीडिंग है वो कम हो जाएगी और आपकी सर्चिंग बढ़ जाएगी. टाइम कंज्यूमिंग से बचोगे. मूव योर आइज क्विकली अक्रॉस द कॉम्प्रिहेंशन पेज अंटिल यू फाइंड द इंफॉर्मेशन, और आपने जल्दी अपनी आइज को उसके ऊपर मूव करना है पेज के ऊपर, कॉम्प्रिहेंशन पेज के ऊपर, ताकि आप अपने उस वर्ड को लोकेट कर सको. आपके सामने अब ये एक एग्जाम्पल है, एक पैसेज है, और नीचे उसके 4 एमसीक्यूज दिए गए हैं. ज़रा एमसीक्यूज को देखते हैं. What is a येलो स्टोन, पहले हमसे वो पूछ रहा है कि येलो स्टोन क्या है. दूसरे में आपसे कहता है ओल्ड फेथफुल इज, दूसरी बात वो हमसे पूछता है ओल्ड फेथफुल के बारे में. फिर पहले थर्ड में कहता है ग्रेट फाउंटेन इरप्ट्स एवरी 11 मिनट्स आवर्स डेज मंथ्स, ठीक है. और फोर्थ में आपसे पूछ रहा है द ग्रेटेस्ट हॉट स्प्रिंग इन द पार्क इज, ठीक है. अब यहाँ पर आपसे ये 4 स्कैनिंग के क्वेश्चंस हैं जो आपने ऊपर देखने हैं. अब इसके लिए आपने क्वेश्चंस को तो देख लिया, ये तो आपको पता है कि इस टेक्निक में पहले आप एमसीक्यूज़ को देखोगे, उसके बाद पैसेज की तरफ जाओगे. अब अगर आपको समझ आ जाती है, आइडिया फौरन से आइडिया हो जाता है कि ये स्कैनिंग के क्वेश्चंस हैं, ये मुझे रीडिंग किए बगैर वो ख़ास वर्ड को देखूँगी और ये देखूँगा तो मुझे मिल जाएंगे, तो आप अपने टाइम को सेव करोगे. आप पैसेज की तरफ जाते हैं. आप अपने हाथ में कोई भी पेन या पेंसिल ले लीजिए, ठीक है, और देखें मैं यहाँ कर्सर से मूव करना शुरू कर रही हूँ और मैं रीडिंग नहीं कर रही, सिर्फ मूव कर रही हूँ और बड़े ध्यान से ये देखते हुए कि मैं किन वर्ड्स, ये ज़रूर देखना है कि मैं किन वर्ड्स के ऊपर से मूवमेंट कर रही हूँ, ठीक है, मूव करूँगी. अब यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट लाइन से मूव करना शुरू करती हूँ तो देखें येलो स्टोन नेशनल पार्क, मुझे शुरू में ये वर्ड नज़र आ गया कि येलो स्टोन नेशनल पार्क इज़ इन द यूएसए स्टेट्स,
ठीक है। अब यहाँ पर नीचे ज़रा ऑप्शंस को जब मैंने देखा था कि वो ऑप्शंस में पूछ रहा था व्हाट इज़ येलो स्टोन इज़ गीज़र माउंटेन अ हॉट स्प्रिंग और अ पार्क, तो मुझे इसका आंसर शुरू में ही मिल गया, ठीक है। सो मैं यहाँ आप पार्क पे टिक कर दूंगी, ठीक है, मुझे एक आंसर मिल गया। अब मज़ीद मैं आगे कर्सर से मूव करना शुरू करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें सेकेंड पैराग्राफ के ऑलमोस्ट मिड में लिखा हुआ है मोस्ट विजिटर्स वॉन्ट टू सी ओल्ड फेथफुल अ वेरी प्रिडिक्टेबल गीजर एट येलो स्टोन, कि ओल्ड फेथफुल क्या है, एक नाम दिया गया है, ठीक है, किसे, गीजर को। तो मुझे यहाँ पता चल गया कि ओल्ड फेथफुल रिवर है, ट्रेल है, पैसेज है या गीजर है, तो मैं गीजर पे टिक कर दूंगी। आगे मज़ीद मूव करते हैं, ग्रेट फाउंटेन के बारे में हमने थर्ड में पढ़ा था, उसको देखते हैं। अगर आप देखें तो फौरन एक लाइन स्किप करने के बाद, ओल्ड फेथफुल के बाद सेकेंड लाइन पर ही ग्रेट फाउंटेन गीजर इरप्ट्स एवरी 11 आवर्स, उसने बता दिया कि इसके इरप्शन का ड्यूरेशन क्या है, 11 आवर्स है, ठीक है। तो आफ्टर एवरी 11 आवर्स के पे टिक हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वन द लार्जेस्ट हॉट स्प्रिंग इन द पार्क, मज़ीद आगे मूव करते जाते हैं। जब मूव करते जाएंगे तो आप देखेंगे थोड़ा ही एक लाइन को स्किप करने के बाद इट इज़ द लार्जेस्ट हॉट स्प्रिंग इन द पार्क, आपकी नज़रों से फौरन एक वर्ड गुजरेगा लार्जेस्ट हॉट स्प्रिंग। अब यहाँ पर वो कह रहा है इट इज़, यहाँ इट इज़ है तो इसका मतलब है कि इसके लिए इस प्रोनाउन के लिए नाउन पीछे यूज़ की गई है, यानी इन द प्रीवियस सेंटेंस रेफर किया जा रहा है। तो इसके प्रीवियस सेंटेंस में फ़ौरन से देख लेते हैं, तो वो कहते हैं पीपल ऑल्सो लाइक टू सी द ग्रैंड प्रिस्मैटिक स्प्रिंग, इट इज़ द लार्जेस्ट हॉट स्प्रिंग इन द पार्क। इससे पता चला कि ग्रैंड प्रिस्मैटिक स्प्रिंग जो है वो लार्जेस्ट हॉट स्प्रिंग है, तो यहाँ पर मैं डी ऑप्शन पे टिक कर दूंगी, ग्रैंड प्रिस्मैटिक। तो देखें ये आपके सामने थी स्कैनिंग की एक टेक्निक, तमाम ज़रूरी नहीं होगा कि आपके तमाम क्वेश्चन इसी तरह से डायरेक्ट आएंगे, लेकिन आपके दो या तीन MCQs इस तरह के होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को पहले सॉल्व किया जाता है ताकि आप थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स हो सकें, बजाय इसके कि आप किसी ऐसे टफ क्वेश्चन में अपने आप को इंगेज कर लें जिसकी वजह से आपका सारा टाइम चला जाए। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब थीम के क्वेश्चंस होते हैं, टाइटल के क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल एनालिसिस के क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें हम हमेशा एंड पर डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट इज व्हाट इज स्किमिंग, स्किमिंग का एक अपेरेंट मीनिंग तो आप सबको पता है कि द रिमूवल ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, कि आप किसी लिक्विड की चीज़ में से किसी सब्सटेंस को, किसी हैवी सब्सटेंस को रिमूव कर देते हैं। आपके सामने एक इमेज में देख रहा होगा कि मिल्क के ऊपर से जो ये क्रीमी पोर्शन है वो एक साइड पे हो रहा है, जो उसका एक बेस्ट पार्ट होता है। इसी तरह से किसी भी टेक्स्ट का बेस्ट पार्ट उसके आइडियाज़ होते हैं, ठीक है। तो हम भी इसी तरह से टेक्स्ट को स्किम करेंगे, स्किम करने से ये होगा कि आपके पास मेन आइडियाज़ आ जाएंगे। जब मेन आइडियाज़ आ जाएंगे तो आपको MCQs को सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा। और इन मेन आइडियाज़ को हम कैसे आगे गेन कर सकते हैं, कैसे मज़ीद ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, मज़ीद स्लाइड्स की कॉम्प्रीहेंशंस में आपको मैं इंशाल्लाह गाइड करूँगी। इसके एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं, स्किमिंग इज़ अ स्ट्रैटेजिक सिलेक्टिव रीडिंग मैथड इन विच यू फोकस ऑन द मेन आइडियाज ऑफ अ टेक्स्ट। दूसरे वर्ड्स में आप इसे कह सकते हो गेस्ट ऑफ समथिंग। गेस्ट ऑफ समथिंग क्या होता है, गेस्ट ऑफ समथिंग का मतलब होता है जनरल आइडिया, कि आप एक जनरल आइडिया ले रहे होते हो पूरे टेक्स्ट का। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि किया कैसे जाएगा, ठीक है, कि हम टेक्स्ट को स्किम किस तरह करते हैं। चलें देखते हैं, आपके सामने इस स्लाइड में दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट लाइन को देखें ज़रा, रीड फर्स्ट टू एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइन्स ऑफ ईच पैराग्राफ, कि आपने हर पैराग्राफ की पहली दो और लास्ट लाइन्स को ज़रूर पढ़ना है। वो क्यों पढ़ी जाती हैं,
क्या जो एक पैसेज पैराग्राफ्स जो लिखे पैसेज में जो पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं ये एक टेक्निक से लिखे जाते हैं। हर पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन होती है, फर्स्ट और सेकंड लाइन होती है, वो उसका टॉपिक सेंटेंस कहलाती है। और राइटर मोस्टली हर पैसेज की हर पैसेज में पैराग्राफ की फर्स्ट टू लाइन्स में अपना आइडिया, उस पैराग्राफ का आइडिया ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाता है। और अगर आप लास्ट लाइन को देखेंगे, वो लास्ट लाइन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो जब एक पैराग्राफ लिख रहा है उसकी फ़र्स्ट टू लाइंस में वो बता देगा कि वो इस पैराग्राफ को आगे जब एक्सपैंड करने जा रहा है तो वो उसमें किस चीज़ को एलैबोरेट करेगा। ठीक है, आप कभी भी, आपके सामने ये एक एग्ज़ाम्पल देख रही होगी जिसे अभी हम देखेंगे, तो आपको मज़ीद इस बारे में जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर होगी। लास्ट लाइन्स जो होती हैं किसी भी पैराग्राफ की, वो उसके कंक्लूडिंग वर्ड्स होते हैं। यानी अगर उसने, एक राइटर ने एक पैराग्राफ में आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया और फिर मज़ीद उस पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करते करते एक्सप्लेन करता है, तो वो उसकी लास्ट लाइन में उसे कंक्लूड भी करेगा। ठीक है, इस तरह से अगर आपके पैसेज में फोर पैराग्राफ्स हैं तो इसका मतलब है कि हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन उस यानी फोर पैराग्राफ्स की हर फर्स्ट लाइन उसका टॉपिक सेंटेंस बनेगी। ठीक है, आपको फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते ही पता चल जाएगा कि ये आगे इस पूरे पैराग्राफ में क्या बात कर रहा है, जिससे आपका टाइम थोड़ा सेव होगा। जब आप क्वेश्चंस को रीड करके पैराग्राफ की तरफ आओगे तो आपको पता होगा कि मैंने किस पैराग्राफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, सेकंड क्या है, यू हैव टू रीड फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ कम्प्लीटली। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान से सुनने वाली है और प्रैक्टिस करने वाली है। आपने ज़रूर फर्स्ट टू लाइंस और हर पैराग्राफ की लास्ट लाइन को पढ़ना है, लेकिन किसी भी पैसेज का फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि आपको एक पूरा, क्योंकि एक फर्स्ट पैराग्राफ में कंप्लीट इंट्रोडक्शन मिल जाता है और किसी भी पैसेज के लास्ट पैराग्राफ में आपको एक प्रॉपर कंक्लूजन मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है। नंबर थ्री, इट रिक्वायर्स आल्सो रैपिड आई मूवमेंट। इसमें भी आपने जल्दी जल्दी अपनी आईज को मूव करना है। ठीक है, हाथ में कोई भी पेन या पेंसिल आपके मौजूद हो, आपने फौरन उसकी मूवमेंट करनी है, जल्दी से लाइंस रीड करनी है और आइडिया जनरेट करने हैं। आपके पास क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट होगा, आप उसको, क्योंकि अगर पेपर पे होता तो आप फौरन उसे पेंसिल या पेन से कर लेते। आपने जब पेपर अटेम्प्ट करना है तो साथ ही कोई पीस ऑफ पेपर अपने साथ रख लेना है। ठीक है, ताकि जैसे ही आप पैसेज पढ़ो तो आप उसके अंदर साथ साथ लिखते चले जाओ कि मैंने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था क्या आइडिया डिस्कस हो रहा था, मैंने फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन को पढ़ा था तो उसमें क्या बात डिस्कस हो रही थी, इस तरह से सो ऑन पैसेजेस डिस्कस करोगे। अच्छा जी, एग्जांपल की तरफ आते हैं। इस एग्जांपल में आप देखिए, अगर मैं इसकी फर्स्ट लाइन रीड करती हूँ, ये एक मेरे पास पैराग्राफ है, इसकी अगर मैं फर्स्ट लाइन रीड करती हूँ, द ईयर 2006 वॉज द गोल्डन एनिवर्सरी और द 50th बर्थडे ऑफ द डिवाइट डी एंसर हावर नेशनल सिस्टम ऑफ इंटरस्टेट एंड द वंस हाईवे। तो यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि इसमें आप एनिवर्सरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी लास्ट लाइन की तरफ आ जाते हैं। इट हैड प्लेड अ मेजर रोल इन प्रिजर्विंग एंड मेंटेनिंग द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। अगर आप फर्स्ट लाइन को देखें इस पैराग्राफ की, तो इसमें एक पता चल रहा है कि एक नेशनल सिस्टम ऑफ इंटरस्टेट और डिफेंस हाईवेज का इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था और उसकी फिफ्थ बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट हो रही है। और लास्ट में इसी पैराग्राफ की लास्ट और आगे भी वो उसे एक्सप्लेन करता है, इसी बर्थडे के हवाले से डिस्कशन करता है और लास्ट में वो क्या बात करता है कि इट हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन प्रिजर्विंग एंड मेंटेनिंग द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। कि इस कंक्लूड करते हुए बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहा और अमेरिकन लाइफ उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। तो यानी मुझे ये पता चल गया कि अगर कोई चीज़, कोई MCQs मेरा
इस हवाले से आता है, एनिवर्सरी के हवाले से आता है या उसके रोल के हवाले से आता है, तो मैं फौरन से फर्स्ट इस पैराग्राफ की तरफ आ जाऊंगी। ठीक है जी, यहाँ पे आपके सामने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को हम पहले स्किमिंग और स्कैनिंग के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए हम पहले पैसेज नहीं पढ़ेंगे, हम सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स की तरफ ही जाएंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि हमसे कितने क्वेश्चन स्किमिंग से पूछे जा रहे हैं और कितने स्कैनिंग से पूछे जा रहे हैं, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पे ये MCQs हैं 10, ये डिस्प्ले हो रहे हैं। अब ज़रा इनको एक दफ़ा जल्दी से देख लेते हैं कि ये हमसे किस टेक्निक, ये कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस टेक्निक से आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। फर्स्ट में जी आपसे वो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द राइटर इन मेंशनिंग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इन लाइन 2 ऑफ पैराग्राफ 1। यानी इसमें ऑलरेडी वो आपको खुद से कह रहा है कि पैराग्राफ 1 की लाइन 2 में देखना है आपने, ठीक है जी। ये आप स्किम भी कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट टू लाइंस आ गई हैं पैराग्राफ की, ठीक है, ये स्किमिंग में चला जाएगा आपका। व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द कंपैरिजन बिटवीन राइज एंड फॉल ऑफ द अमेरिकन इकोनॉमी विद इकोनॉमिक्स ऑफ अदर कंट्रीज इन पैराग्राफ 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये पूरा पैराग्राफ 1 है उसको रीड करना है और उसके बाद फिर आपने ये बताना है कि अमेरिकन इकोनॉमी का जो राइज और फॉल था वो किस लिहाज से था। जैसे ये MCQs में आपसे पूछ रहा है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, इनवर्स प्रोपोर्शन था, डिसप्रोपोर्शनेट था या इनडायरेक्ट था, ठीक है। यानी जिस तरह भी मैंने आपसे प्रीवियस स्लाइड में ये डिस्कशन की थी कि आपने जो फर्स्ट पैसेज है और लास्ट पैसेज है वो कंप्लीट पढ़ना है। तो अगर देखें आप स्किमिंग में फर्स्ट पैराग्राफ रीड कर लेते हैं तो ये MCQs भी आप सॉल्व कर लेंगे। इससे पहले जो फर्स्ट MCQs हमने देखा उसमें उसने आपसे फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन में से बात पूछी है, और ये भी अभी हमें स्किमिंग में पढ़ के आए थे कि हर पैसेज की जो फर्स्ट टू लाइन्स होती हैं वो टॉपिक सेंटेंस होती हैं, वो मेन आइडिया और थीम के बारे में गाइड करती हैं, ठीक है। ये दोनों आपके स्किमिंग में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। द वर्ड प्रिडिकेमेंट इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पैराग्राफ 2 मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको एक वर्ड दे रहा है, वो आपने स्कैन करना है इसको, यानी प्रिडिकेमेंट को अंडरलाइन कर लें, वो आपसे पूछ रहा है और साथ में खुद भी बता भी रहा है आपको। और अगर ये ना भी बताता तो आपसे डायरेक्ट ये इसका मीनिंग पूछ लेता तब भी ये स्कैनिंग में ही जाता। आप फौरन से जहाँ पे भी ये वर्ड होगा प्रिडिकेमेंट का, आप फौरन से उसको अंडरलाइन करोगे और ये देखोगे कि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका करेक्ट मीनिंग क्या है। नेक्स्ट है जी आपके पास, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 3 द वर्क फोर्स इज शिफ्टिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, ठीक है। अब अगेन पैराग्राफ 3 के अकॉर्डिंग वो आपसे पूछ रहा है कि जो वर्क फोर्स है वो जो शिफ्ट हो रही थी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, यहाँ आपको आगे वो 4 वेज बता रहा है और पूछ रहा है कि किस वे में जो वर्क फोर्स थी जब इकोनॉमी के क्राइसिस आए तो वो चेंज हो गई। अच्छा जी, इसके अंदर भी आप अब यहाँ पर क्या होगा, आपको ये पैसेज कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इन्फर करना है, याद होगा आपको हमने इन्फर मेथड के बारे में पढ़ा था, कंक्लूड करने के बारे में पढ़ा था। यहाँ वो आपसे पूछ रहा है कि वो शिफ्ट हुई किस तरह से शिफ्ट हुई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पीरियड बिटवीन दिसंबर 2000 एंड मे 2009, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन आपके पास एक स्कैनिंग आ गई है, डिजिट दे दिया गया है, आपके पास ईयर आ गया है, ठीक है। तो आप फौरन से पैराग्राफ 3 में देखोगे कहाँ पे 2000 से मे 2009 की बात की जा रही है, और फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दी गई 4 ऑप्शंस को उसके साथ रिलेट करोगे, और रिलेट करके सॉल्व कैसे करोगे, एलिमिनेशन मेथड के साथ, कि क्या पहली स्टेटमेंट इसके साथ कोई उसका लिंक क्रिएट हो रहा है, रिलेट कर रही है या नहीं कर रही। इस तरह से वन बाय वन आप उसको टैली करते जाओगे और करेक्ट आंसर को फिर देखोगे। इसमें एक और ये आपको याद आ रहा होगा कि क्वेश्चन की टाइप्स डिस्कस की थी मैंने आपसे, ठीक है।
तो वो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द पीरियड बिटवीन दिसंबर 2000 एंड मई 2009। ठीक है, उसने आपसे एक ट्रू स्टेटमेंट इसमें से पूछी है और तीन इसका मतलब है इसमें रॉन्ग दी हुई हैं। द ऑथर मेंशंस वॉलमार्ट इन द एंड ऑफ द पैराग्राफ 3 इन ऑर्डर टू इंडिकेट डैट। ठीक है जी, अगेन ये आपका क्या, आपका ये स्कैनिंग में भी जा सकता है और स्किमिंग में भी, कि उसने यहाँ पे आपको वॉलमार्ट नेम का हिंट दे दिया। ठीक है, और स्किमिंग में किस तरह से जा सकता है ये आप देखेंगे, क्योंकि वॉलमार्ट का जिक्र पैराग्राफ 3 में जब आप जाओगे तो थर्ड पैसेज के बिल्कुल लास्ट लाइन में किया गया, लास्ट लाइंस में किया गया। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये आपका स्कैनिंग में जाएगा, क्योंकि एक नेम है, आप फौरन से देखोगे कि पैराग्राफ 3 में वॉलमार्ट कहाँ पे है, और फिर ये दी गई ऑप्शंस को इस स्टेटमेंट, इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट के साथ आप टैली करना शुरू हो जाओगे जी। आगे है जी आपके पास, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ 4 Which of the following was adopted as an investment option? ठीक है, अब यहाँ पर अगेन आपने पैराग्राफ 4 के फर्स्ट सेंटेंस को रीड करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखना है कि कौन सा जो तरीक़ाकार है इन्वेस्टमेंट का वो उन्होंने अडॉप्ट किया था। ठीक है जी, द लास्ट वर्ड ऑफ पैराग्राफ 4 outsourced means which of the following? ठीक है, अब अगेन यहाँ पे ये स्कैनिंग मेथड के साथ सॉल्व होगा। आपको उसने एक वर्ड दे दिया है और उस वर्ड को आपने फौरन से पैराग्राफ 4 में देखना है और फिर इन मीनिंग्स के साथ रिलेट करना है। Which of the following is not true according to the passage? ठीक है, अगेन वो आपसे एक चीज़ पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। और मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, जब आप ये तमाम MCQs सॉल्व करते आओगे, वन बाय वन 1 to 9 तक सॉल्व कर लोगे, तो ऑब्वियसली काफ़ी हद तक आपको आइडिया हो जाएगा कि मेन आइडिया क्या है। ठीक है जी, तो अभी तो हमने जो क्वेश्चंस थे उनकी डिस्कशन की, और फौरन से अगला स्टेप हमारा क्या होगा, पैसेज रीडिंग। पैसेज रीडिंग के अंदर हम क्या करेंगे, हम स्किमिंग करेंगे। सबसे पहले आपने स्किमिंग करनी है, फिर आपने स्कैनिंग करनी है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं पहले मैंने स्कैनिंग करनी है, तो आप कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि दोनों मेथड्स ही आपकी क्या कहते हैं MCQs सॉल्व करने में यूज़ होते हैं, इक्वल टाइम ही लेंगे तकरीबन। ठीक है, अगर आप पहले स्कैनिंग करना चाहते हैं तो आप स्कैनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले आपको ये सजेस्ट करूँगी कि पहले स्किमिंग कर लो। स्किमिंग करने से ये होगा कि आप पैसेज के साथ, जो आपकी पैसेज के साथ एलियनेशन है ना, यानी आपको आइडिया नहीं है कि अभी बात क्या की जा रही है, पहले पैसेज में, सेकंड, थर्ड में, फोर्थ में, तो आपको कुछ आइडिया भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप वर्ड्स को स्कैन भी कर सकते हो। तो अब हम करते हैं पैसेज की रीडिंग जी, क्योंकि स्किमिंग के अंदर हमने देखा था बेटा कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ प्रॉपर कंप्लीट रीड करने हैं। ठीक है, तो जरा इसकी रीडिंग कर लेते हैं। US economy was the most powerful economy in the world during the later half of the 20th century. यानी वो बता रहा है कि जो US की United States की economy थी, वो 20th century के later half तक बहुत ही एक powerful और strong economy consider की जाती थी worldwide. And the Americans set the rules for rest of the world. और ये कहा जाता था कि अमेरिका ने economy की एक field में दुनिया के लिए क्या कहते हैं बहुत सी राहें खोल दी हैं। ठीक है, दे इवेलुएटेड मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी उसके बाद फिर मल्टी नेशन कॉरपोरेशन शुरू हो गई, यानी उनका वर्ल्ड वाइड रबते शुरू हो गए अपने होम कंट्री के अलावा दूसरी कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक लेवल पर, एंड कंट्रोल द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, और यहाँ तक पहुँच गए कि वो वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल करने लगे। When the US economy was rising, all the other economies were also growing. ठीक है, कि जब US की economy rise हो रही थी, तो फिर दूसरी जो उसके साथ associate थी nations या associated countries थी, वो भी flourish हो रही थी। ठीक है, Similarly, when the global financial crisis hit,
and their economy went down, it affected almost all the other importing and exporting nations in the world. लेकिन ध्यान से देखिएगा ज़रा, आपको मैंने समझाया था ना कि हर पैराग्राफ की फर्स्ट और लास्ट लाइन्स आपको बहुत आइडिया देती हैं. फर्स्ट लाइन में देखिएगा ज़रा, फर्स्ट लाइन में उसने आपसे इंट्रोड्यूस किया इस बात को कि जो यूएसए की, जो यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी थी वो दुनिया की पावरफुल इकोनॉमी कंसिडर हो रही थी, ठीक है. लेकिन इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन को देखो ज़रा, यहाँ पर उसने कंक्लूड क्या किया, व्हेन द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हिट and their economy went down, ठीक है, यानी उनकी economy crisis का शिकार होने लगी, खसारे में जाने लगी. It affected almost all the other importing and exporting nations in the world, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ, दुनिया में दूसरी nations जिनके साथ importing और exporting का system था वो भी उसके साथ influence हुआ, ठीक है, उस पर भी इसके disastrous जो effects थे वो रूनुमा हुए. यानी अब पैसेज पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे डाउनफॉल के बारे में बात हो रही है अभी फर्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है जी. अब मैं सेकंड जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट नहीं पढ़ रही, ठीक है, मैं उसकी फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन पढ़ूंगी, जिससे मुझे पता चलेगा कि सेकंड में डिस्कशन क्या हो रही है, और क्या ये भी पढ़ के देखेंगे क्या हमें वाकई में पैराग्राफ की जो फर्स्ट और लास्ट लाइन है पढ़ के आइडिया होता है, मेन आइडिया पता चलता है जी. This was meant to be the biggest crisis after the Great Depression 1930. ठीक है, Cambridge Journal of Economics 2009. ठीक है, ये एक जर्नल ज़रूरी नहीं है, जो parentheses के अंदर, जो ये ब्रैकेट्स के अंदर बात डिस्कस होती है, या ये हमेशा याद रखें एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, इसको बॉदर करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. असल बात को आपको फर्स्ट लाइन में क्या कहना चाह रहा है कि ये बिगेस्ट क्राइसिस कंसिडर हुआ ग्रेट डिप्रेशन 1930 के बाद. अब देखते हैं इसी पैराग्राफ की, सेकंड पैराग्राफ की कंक्लूडिंग लाइन क्या है. देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ करेंट फाइनेंशियल क्राइसिस एंड डिस्कस रेजोल्यूशन मेजर्स. ठीक है, उसने कहा कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये सबसे बड़ा क्राइसिस था, और इसी सेकेंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन में उसने कंक्लूड किया, इसीलिए इसके भी क्या ज़रूरी हैं फाइनेंशियल क्राइसिस के जो अफेक्ट्स थे या आगे उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे उनको, और रेजोल्यूशन मेजर्स क्या होते हैं कि उससे आप कैसे उन्होंने टैकल कैसे किया, वो कौन से मेजर्स लिए गए. ठीक है, अब आते हैं जी थर्ड पैराग्राफ की तरफ, इसकी लाइन को रीड करते हैं. ड्यूरिंग लेटर पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, दैट इज 1973, डैनियल बेल पब्लिश्ड अ बुक टाइटल्ड द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी. ठीक है, अब थर्ड में वो आपको कहता है कि लेटर पार्ट जब 20th सेंचुरी का शुरू होता है, जिसको वो तकरीबन 1973 बता रहा है, तो डैनियल बेल पब्लिश्ड अ बुक, तो डैनियल बेल ने एक बुक को पब्लिश किया द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के नाम से. ठीक है, कि अब इसके साथ एक अगली लाइन, मैंने आपको कहा था फर्स्ट टू लाइन्स, तो यहाँ पर सिर्फ हमें बुक का पता चल रहा है, तो इसका मतलब हमें दूसरी लाइन को पढ़ लेना चाहिए ताकि वो हमें दूसरी लाइन में ये बता दे कि ये बुक किस लिए थी. ठीक है, द बुक वॉज अबाउट फोरकास्टिंग टू फाइंड द चेंजेस इन इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स. मीन्स उसने बुक लिखी जिसमें उसने ये बताया कि सोसाइटी में और इकोनॉमी में क्या चेंजेस आए इसके बाद. ठीक है, अब इसी पैराग्राफ की थर्ड पैराग्राफ की लास्ट लाइन को देखते हैं. द फर्म एम्प्लॉयड अबाउट 1.4 million एम्प्लॉयज़ इन 2009, विच वॉज मोर देन दैट ऑफ 20 लार्जेस्ट अमेरिकन मैनुफैक्चरिंग कंपनीज टुगेदर. अब यहाँ पे ज़रा ये लास्ट लाइन को बड़े ध्यान से देखिएगा, दोबारा रीरीड करती हूँ मैं, कि वो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आ रहा है. ऊपर वहाँ क्राइसिस की बात हो रही थी, नीचे यहाँ, क्योंकि याद रखें आपने जब भी रीडिंग करनी है तो आपने क्वेश्चनिंग माइंड के साथ करनी है. ठीक है, आपने ये देखना है ऊपर क्राइसिस की बात हो रही है,
ठीक है, लेकिन इस वाली लाइन में वो क्या कहता है, वो कहता है द फर्म एम्प्लॉयड अबाउट 1.4 मिलियन एम्प्लॉयज इन 2009, कि जब क्राइसिस आते हैं ना फाइनेंशियल, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे वो कहता है कि फर्म ने 1.4 मिलियन एम्प्लॉयज 2009 में उसने जो है मज़ीद हायर किए, विच वॉज मोर देन दैट ऑफ 20 लार्जेस्ट अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टुगेदर, जो कि उससे पहले जब क्राइसिस थे उस टाइम पे भी शायद इतनी 20 अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में नहीं होते थे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब अमेरिका एक इस्टेब्लिश इकोनॉमिकल कंडीशन में था उस टाइम पे शायद उसने इतने एम्प्लॉयज़ जो इसके मुताबिक, इस टेक्स्ट के मुताबिक है, उसने उस वक्त भी शायद इतने एम्प्लॉयज़ 1.4 मिलियन नहीं किए थे जितना कि उन्होंने ये 1973 जो डैनियल बेल की बुक है उसमें वो कहता है कि जो ये क्राइसिस आया, क्राइसिस के बाद वो इम्प्रूव होना शुरू हो गए इस कदर इम्प्रूव। अब इसका मतलब है कि इस थर्ड पैराग्राफ को अगर मैं मुझसे, जो हमने अभी एमसीक्यूज और क्वेश्चंस पढ़े हैं, अगर उसमें कहीं वो हमसे ये पूछता है कि कहीं कोई बेहतरी आई, क्या अमेरिका दोबारा से इस्टेब्लिश हो सका, ठीक है, क्या वो बेहतर अंदाज से उन प्रॉब्लम्स को टैकल और सॉल्व कर सका, तो मैं फौरन से थर्ड पैसेज की तरफ जाऊंगी, बजाय इसके कि मैं पहला और दूसरा रीड करूंगी। ठीक है, अगर मेरा एमसीक्यूज इस हवाले से होगा, आगे चलते हैं, इसके लास्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं। दिस कॉस्ट चेंजेस टू अकर इन पेंशन फाइनेंसिंग एंड पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ में हम वो बता रहा है कि मज़ीद इम्प्रूवमेंट आ रही है, पेंशन फाइनेंसिंग की तरफ चेंजेस आ रही हैं, और पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, के लोगों ने म्यूचुअल फंड्स की तरफ इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है जैसे आप शेयर्स ख़रीद लेते हैं, ठीक है, और इसके साथ क्या होता है कि फिर आपकी जो इकॉनमी है उसके अंदर आप जो फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लोग शेयर्स ख़रीद लेते हैं, और भी इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन आपने बस अपने आइडिया को क्लियर करने के लिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपके जहन में बस ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फ़ंड का क्या ताल्लुक था। दिस हैपेंड थ्रू चेंज इन पेंशन फाइनेंशियल दैट टुक ओवर स्मॉल अमाउंट to mutual fund from large amount of investment savings, ठीक है, कि small amount से large investment की तरफ move होना शुरू हो गए। This created pressure for high returns and also took away the option of staying with a single firm. और इसके बाद जो bank के जो debts थे, जो कर्जे थे, ठीक है, उनको clear करने की तरफ वो stable होना शुरू हो गए, and took away the option of staying with a single firm, ठीक है, एक single firm की option से बाहर आने लग गए। This enabled growth of institutional investors, ठीक है, और इसके साथ साथ जो उनके investors थे उनकी growth बढ़ने लग गई। Huge amounts of portable pension funds and insurance firms, ठीक है, इसके बाद huge amount of portable pension funds की थी और insurance firms की, ठीक है जी। Nearly 1000 corporation shares were owned by institutional investors in 2005, ठीक है, तकरीबन 1000 के करीब जो हैं shares वो ऑन किए गए, with mutual fund taking maximum of 10% or more in hundreds of corporations, ठीक है। For manufacturers the main focus was on share value with separate OEM model, ठीक है, यानी उनका सबसे मेन फोकस, क्योंकि अगर याद हो हमने इस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में ही ये चीज़ पढ़ी थी, म्यूचुअल फंडिंग जिसमें इन्वेस्टमेंट होनी थी, ठीक है, तो द मेन फोकस वॉज ऑन शेयर वैल्यू विच सेपरेट OEM मॉडल, ठीक है, यानी ऑर्गेनाइज इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, विच मीन्स द प्रोडक्शन इज आउटस्कोर टू द अदर एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस। ये बात तो आपको क्लियर हो ही गई होगी कि प्रोडक्शन को आउटस्कोर किया गया एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ भी, अदर देन मैन्युफैक्चरर्स, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के अलावा बात करें, फंक्शंस दैट इज HR यानी ह्यूमन रिसोर्सेज एंड IT एटसेट्रा वर ऑल्सो आउटसोर्स, और इनके साथ भी क्या किया गया,
कॉन्ट्रैक्ट किया गया। आउटसोर्स का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट में लेके आना जी। ये तो थी आपकी पैसेज की रीडिंग जी। और इसके साथ ही स्किमिंग तो हो गई, जिसमें होप्स हो के आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा। सो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने और उसके हवाले से पैसेज भी आ रहा है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द राइटर इन मेंशनिंग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इन लाइन टू ऑफ पैराग्राफ वन? ठीक है, अब यहाँ पे वैसे आप स्किमिंग कर चुके हो, ठीक है, ज़रा इसके ऑप्शंस को देखते हैं। पोर्ट्रे दिस कॉर्पोरेशन एज अ नेगेटिव डिवेलपमेंट, अभी आपने पैसेज को पढ़ा था, आपके सामने भी मौजूद है। और जब आपने मैसेज को पढ़ना है तो फौरन उसका मेन आइडिया जहन में रखना है। अगर आपको लगता है कि आपसे स्किप हो जाएगा तो उस आइडिया को फौरन से, मैंने आपको पहले कहा था कि एक पीस ऑफ पेपर पास रखना है, उसके ऊपर लिख लेना है, ठीक है, ताकि आप उस आइडिया को इस इन ऑप्शंस के साथ फौरन रिलेट करो, बजाय इसके कि आप इन ऑप्शंस को देख के दोबारा पैसेज रीडिंग की तरफ चले जाओ, ठीक है। पहले ऑप्शन में वो आपसे कहता है पोर्ट्रे दीज कॉर्पोरेशन एज अ नेगेटिव डिवेलपमेंट, यानी जो मल्टी कॉर्पोरेशंस हैं उनका क्या पर्पस था, ठीक है, राइटर उन्हें किस पर्पस के साथ मेंशन कर रहा है। फिर भी एक दफ़ा आपके लिए रीड कर देती हूँ क्योंकि अभी आप प्रैक्टिसिंग स्टेज पे हो, ठीक है। US इकोनॉमी वॉज द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी एंड द अमेरिकन सेट द रूल्स फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सेकेंड लाइन की बात की है उसने आपसे, तो सेकेंड लाइन ये है, दे इवेलुएटेड मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड कंट्रोल द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि उन्होंने मल्टी नेशनल जो कॉर्पोरेशंस थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके साथ उन्होंने उसको इवेलुएट किया, उनके साथ उनके अमेरिका का जो था यूनाइटेड स्टेट्स थी उनका ये रबता हो गया, ठीक है, उनके साथ वो काम कर रहे थे और इस तरह से कंट्रोल द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, और फिर उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल कर लिया। तो यहाँ पे ज़रा वो ऑप्शंस के साथ क्या पूछते हैं कि वो किस पर्पज़ के साथ यहाँ पर लिख रहा बता रहा है कि क्या उनको नेगेटिव डिवेलपमेंट के तौर पे पोर्ट्रे करना चाह रहा है। नंबर टू, एक्सप्रेस दैट अमेरिकन इकोनॉमी रिसीव्ड मार्जिनल और नो इम्पैक्ट फ्रॉम देम, या फिर ऐसा हुआ कि अमेरिकन इकोनॉमी ने उनसे कोई इम्पैक्ट नहीं रिसीव किया। नंबर जो थर्ड है आपकी ऑप्शन, शो देयर इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, या वो यहाँ पे सेकेंड लाइन में इसलिए शो कर रहा है कि वो आपसे वो ये बता सके कि जब वो इकोनॉमी थी तो वहाँ पर कितनी ग्लोबल इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स कर रहे थे, ठीक है, या उस पर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा था। डी पे देखें, हाईलाइट देयर इफेक्ट ऑन ग्लोबल फाइनेंशियल हॉरिजन, ठीक है, पीछे आप देखें ज़रा यहाँ पर, तो ज़रा प्रीवियस जो लाइन है उसकी तरफ ज़रा वापस चलते हैं। तो यहाँ उसने कहा कि सेकंड लाइन के अंदर कि दे इवेलुएटेड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड कंट्रोल द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल किया। अगर डी ऑप्शन पर देखें ज़रा, यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि सेम टू सेम वर्ड्स नहीं होते, यानी कॉपी पेस्टिंग वाला सीन नहीं होता, वो वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज ज़रूर करते हैं। यहाँ पर उसने वर्ड आपसे क्या यूज़ कर लिया है, ग्लोबल फाइनेंशियल हॉरिजन, ठीक है। तो यहां पर उसने जब वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल कर लिया था तो यहां पर आपका डी ऑप्शन बेहतर है, यानी वो ये हाईलाइट करना चाह रहा है कि क्या यानी इफेक्ट्स रहे थे ग्लोबल फाइनेंशियल हॉरिजन पे। तो हम टिक किस पे करेंगे, डी ऑप्शन पर जी। बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द कंपैरिजन बिटवीन राइज एंड फॉल ऑफ द अमेरिकन इकोनॉमी विद इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज इन पैराग्राफ वन, ठीक है, कि यहाँ पर आपने देखना है कि जो अमेरिका की इकोनॉमी थी उसका जो राइज और फॉल का इम्पेक्ट पड़ा दूसरी कंट्रीज़ के साथ वो किस तरह से था, ठीक है। ए ऑप्शन में वो कहता है इन पार्शल इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज हो रही होती है, तो क्या यहाँ ऐसा था, बिल्कुल हरगिज नहीं था, क्योंकि अमेरिका की जो इकोनॉमी थी उसमें अगर डाउनफॉल आया तो उसका इम्पैक्ट बाकी तमाम कंट्रीज़ पे पड़ा था, ठीक है, सेम उसी तरह से इन एब्सोल्यूट डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन यही होता है कि अगर
जो अगर कोई चीज़ इंक्रीज होती है तो सेम लेवल के साथ, एक चीज़ इंक्रीज होती है उसके साथ तमाम चीज़ें इंक्रीज होंगी, अगर एक चीज़ डिक्रीज होती है तो तमाम चीज़ें सेम उसी लेवल से डिक्रीज होंगी। तो यहाँ पर तकरीबन ये ऑप्शन आपको इसके करीब दिख रही है, यानी हमें यहाँ बी में ही तकरीबन इसकी ऑप्शन करीब तरीन लग रही है, लेकिन हमने फिर भी बी के ऊपर टिक नहीं करना, पहले हम ज़रा सी और डी पढ़ लें, ठीक है। सी में वो कहता है Having disproportionate linkage. Disproportionate linkage का मतलब ये होता है कि किसी larger या small, किसी larger level पर या small level पर आप नुकसान का दूसरी चीज़ों के साथ link create करते हैं, comparison create कर रहे होते हैं, ठीक है। इन एब्सोल्यूट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। और यहाँ पर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन एक्चुअली इनवर्स प्रोपोर्शन, जो हमने ए में ऑप्शन डिस्कस की थी इनवर्स प्रोपोर्शन, और जो डी में कर रहे हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। यानी वो उसने बस थोड़ा सा वर्ड्स को चेंज कर दिया आपको। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, जिस यानी हम टिक किसको करेंगे, बी को टिक करेंगे, क्योंकि सी के अंदर जो एक लार्जर या स्मॉल, एक लार्जर या स्मॉलर लेवल के ऊपर जो डिस्ट्रक्शन है या लॉस है, यहाँ पे उसका कंपैरिजन जो है ओवरऑल सबके साथ हो रहा है। यानी हम ये नहीं कह रहे कि अगर यहाँ एक कंट्री में थोड़ा लॉस हुआ था और दूसरी कंट्री में बहुत ज़्यादा हुआ था तो हम यहाँ ये कंपैरिजन नहीं देख रहे, बल्कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, यानी कि ये कंपैरिजन इसमें बताया ही नहीं गया, इसमें ओवरऑल ये बताया गया कि सब पे एक जैसा इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है। यानी ये नहीं हुआ कि किसी कंट्री में थोड़ा कम, डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब यही होता है कि यानी किसी मुल्क में थोड़ा कम नुकसान, किसी में थोड़ा ज़्यादा खसारा, तो ऐसा नहीं है। इक्वली तमाम जो कंट्रीज अमेरिका के साथ एसोसिएटेड थी सबको उतना ही जो है लॉस हुआ, ठीक है। सो हमारी करेक्ट ऑप्शन डी यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनती है। इसके बाद आप थर्ड की तरफ जब आते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ, तो है जी द वर्ड प्रीडिकेमेंट इन द सेकेंड लाइन ऑफ पैराग्राफ टू मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। स्कैनिंग है जल्दी से, अब हम क्या करेंगे, पैराग्राफ टू में जो प्रीडिकेमेंट वर्ड है उसको स्कैन करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं जल्दी से पैराग्राफ टू के अंदर, तो ये आपकी सेकेंड लाइन में ही मौजूद है। This predicament has already recorded loss of over 150 billion, ठीक है, 150 billion dollars का जो इसमें loss रहा, and large number of banking institutions have declared bankruptcy or being sold, ठीक है। Bankruptcy का मतलब भी होता है कि जब आप खसारे में जाते हैं, कर्जे बहुत हो जाते हैं और आप उनको अदा नहीं कर पाते, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेट्स होते हैं जो ड्यू हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें, दोबारा रीरीड करते हैं, दिस प्रेडिकेमेंट हैज़ ऑलरेडी रिकॉर्डेड लॉस ऑफ ओवर 150 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। यानी 150 बिलियन डॉलर्स का जो लॉस है वो प्रेडिकेमेंट की तरफ जा रहा है। अब ये प्रेडिकेमेंट किसको शो कर रहा है, ज़रा फोर ऑप्शंस जो हैं नीचे उनको देखते हैं। यहाँ पे फोर ऑप्शंस हैं जी आपके पास, पहला है कॉन्टीमेंट, दूसरा है जुबलेशन, थर्ड है जी आपके पास क्राइसिस, और लास्ट में है जी रिफर्बिशमेंट। अब यहाँ पर आपके पास, आपको जब तक इनके मीनिंग्स नहीं पता होंगे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी है जैसे आपको मीनिंग्स नहीं पता, ठीक है। आगे इंशाल्लाह लेक्चर के आने वाले लेक्चर्स के अंदर वोकैबुलरी के ऊपर एक पूरा डिटेल्ड लेक्चर होगा कि अगर बिलफर्ज़ आपको नहीं मीनिंग्स का पता चल रहा तो आप उन पैसेजेस को पढ़ के किस तरह से आइडिया गैस कर सकते हो। यहाँ पर सी पे आपको एक क्लियर हिंट मिल रहा है, क्राइसिस, ठीक है। यानी और पीछे भी वो किसकी जिक्र कर, यानी अगर आप बैक करते हैं पैराग्राफ की तरफ वापस जाते हैं तो वहाँ पर भी वो आपसे बात यहाँ पे क्राइसिस की कर रहा है, ठीक है। तो इसका हिंट आप अगर अपने जहन में लेते हैं तो क्राइसिस की तरफ जा रहा है, लेकिन और करेक्ट ऑप्शन भी क्राइसिस बनती है, लेकिन ज़रा आपको बाकी मीनिंग्स भी पता होने चाहिए। कॉन्डिमेंट, कॉन्डिमेंट का मतलब होता है फूड के फ्लेवर्स को इन्हेंस करना। जुबलेशन, इसका मतलब क्या होता है, ये तो आप सबको ही पता होगा कि आप क्या करते हो, सेलिब्रेशन करते हो। रिफर्बिशमेंट, रिफर्बिशमेंट का मतलब होता है रेनोवेट करना, ठीक है। तो ये तीनों मीनिंग्स तो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, एक फूड यानी वो एक फूड के फ्लेवर को इन्हेंस कर रहा है, वहाँ पे सेलिब्रेशन की बात हो रही है, रिफर्बिशमेंट के अंदर वो रेनोवेट करने की बात कर रहा है। जबकि हम यहाँ पर अगर पैसेज में कॉन्टेक्स्ट को देखें तो हम तो लॉस की बात कर रहे हैं,
ठीक है, तो यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन सी यानी क्राइसिस बनती है। अच्छा जी, फोर्थ, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 3 द वर्क फोर्स इज शिफ्टिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। ठीक है, आप पैराग्राफ 3 में वो आपसे कह रहा है कि वर्क फोर्स जो शिफ्ट हो रही थी वो किस तरीके से शिफ्ट हुई, यानी वर्किंग फोर्स। आप थर्ड पैराग्राफ की तरफ आते हैं, यानी अभी थर्ड पैराग्राफ ज़रा हम रीड करते हैं ताकि हमें ये हम उसे इन्फर करें कि ये वो यानी किस वजह से कौन सी वर्किंग फोर्स में चेंजेस आई। ठीक है, और ऑप्शंस को रीड करके हम जाएंगे। ठीक है, इट इज़ loyally stuck to its respective fields, यानी वर्क फोर्स जो थी उनमें कोई चेंजेस नहीं आई, वो रिस्पेक्टिव फील्ड्स की तरफ ही रही, यानी वर्किंग फोर्स से मुराद है आपकी एम्प्लॉयज़। ठीक है, लेबर, इट इज़ शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, या फिर जो आपकी वर्क फोर्स थी यानी अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा बेहतर करने के लिए, इट इज़ शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर मैनुफैक्चरिंग की तरफ चली गई एंड सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री और सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री की तरफ आ गई। सी, इट इज़ शिफ्टिंग फ्रॉम सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसमें बिल्कुल ऑप्शन रिवर्स हो गई, उस पहले में उसने आपसे बात की कि शिफ्टिंग हुई एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस की तरफ, और सी में वो कहता है कि इट इज़ शिफ्टिंग फ्रॉम सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री से शिफ्ट होता है वो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री ये होती है कि जब आप जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हैं, चीज़ें हैं, उनके प्रोडक्शन के बजाय जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं लोगों की, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा आपका रुझान बढ़ जाता है। जी, इट इज़ शिफ्टिंग, डी, इट इज़ शिफ्टिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर टू सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, या फिर डी में वो आपसे कहता है कि आप शिफ्ट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग से भी और एग्रीकल्चर से भी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में। ठीक है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आपको और ये ऑप्शंस आपको सही समझ नहीं आएंगी, आप पैराग्राफ में उसका आंसर सही लोकेट नहीं कर सकते। अब पहले में उसने ये कहा कि सब रिस्पेक्टिव फील्ड्स में स्टक रहे, दूसरे में वो आपसे कहता है कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से कहाँ पे हुई, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में हुई, तीसरे में आपसे बात की उसने तो उसने कहा कि सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हो गई, और लास्ट में आपसे बात करते हुए कहता है कि शिफ्टिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इन एग्रीकल्चर टू सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, कि वो मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर से सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री की तरफ चले गए। अब ज़रा अगर हम पैसेज की तरफ देखें तो यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ की जो फर्स्ट टू लाइन्स हैं और लास्ट लाइन है वो हम पहले ही पढ़ चुके थे, ज़रा मिड से इसको पढ़ लेते हैं। One of the most visible changes according to him was the post-industrial society. ठीक है कि industrial society में काफ़ी changes आ रहे थे। The author was right in his prediction before, because today only 10% of the total labor force is employed in agriculture and manufacturing industry. ठीक है, यहाँ पे वो कहते हैं कि author ने एक prediction की थी, वो बिल्कुल ठीक थी कि आने वाले time में जो agriculture और manufacturing industry थी उसमें सिर्फ जो labor force रह गई वो 10% रह गई। Between December 2000 and May 2009 US lost more than 5.25 million employees in manufacturing sector. इसके अलावा जाहिर सी बात है जब लॉस हुआ इसके बाद उसने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को खो दिया। There were many problems in durable goods industry. Durable goods का मतलब मोस्टली जो हाउस होल्ड होती हैं, लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, पार्टिकुलरली इन ऑटो मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी ऑटो मैनुफैक्चरिंग यानी ऑटोमेटिक जो मशीनरी होती है उसके अंदर भी और उसकी इंडस्ट्री में भी। टू और मोर कंपनीज इन दैट सेक्टर डिक्लेयर्ड बैंक्रप्सी विच स्टेटेड दैट देयर वॉज लॉट मोर बैड न्यूज़ टू कम। ठीक है, अब वहाँ पर भी डेट्स ज़्यादा बढ़ने लग गए, ज़्यादा मसाइल पैदा होने लग गए। कंपेरेटिवली मैनुफैक्चरिंग जॉब्स वर लॉन्ग लास्टिंग ऑन एन एवरेज ऑफ 8 years कंपेयर टू एन एवरेज ऑफ 3 years इन सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात बता रहा है
कि यहाँ पर दो चीज़ें अब आ गई हैं, अब सिर्फ वो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स की बात नहीं कर रहा, अगर वो कंपैरिजन, अब यहाँ पे वो कंपैरिजन लेके आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स पर लॉन्ग लास्टिंग ऑन एन एवरेज ऑफ 8 ईयर्स, कि वो हुआ करती थी 8 ईयर्स के हिसाब से जो लॉन्ग लास्टिंग हुआ करती थी, अगर उनका कंपैरिजन किया जाए टू एन एवरेज ऑफ 3 ईयर्स इन सर्विस इंडस्ट्री, उनको वो कितने कहाँ पर ले आए, 3 साल के हिसाब से ले आए सर्विस इंडस्ट्री में। सर्विस इंडस्ट्री अभी हमने MCQs में भी डिस्कस किया था कि जिसमें टेक्नोलॉजी के ऊपर आइडियाज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय इसके कि आप चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ज़्यादा लेके जाएं। द शिफ्ट वॉज ड्रिवन बाय वॉलमार्ट, और ये शिफ्ट जो आया यानी अब यहाँ पे आपके सामने सीधा आंसर आपको क्लियर हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग से अब उनकी शिफ्टिंग सर्विस इंडस्ट्री की तरफ हो रही थी। द शिफ्ट वॉज ड्रिवन बाय वॉलमार्ट, और ये शिफ्ट जो था वॉलमार्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। द फर्म एम्प्लॉयड 1.4 मिलियन एम्प्लॉयज़, और ये सो ऑन जो आपने डिस्कस किया था जिसके बाद यानी सर्विस इंडस्ट्री में जब इस तरह से चेंजेस की और यानी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ उनका फोकस होने लगा, न्यू आइडियाज़ की तरफ फोकस होने लगा, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आने लगी और उनमें आहिस्ता आहिस्ता फिर एम्प्लॉयज़ 1.4 मिलियन तक हो गए 2009 की अगर बात की जाए। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी जो करेक्ट ऑप्शन बनती है वो डी बनती है कि वो शिफ्ट हो गए मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर से सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर में सिर्फ 10% रेशो रह गया था, ठीक है जी। द ऑथर क्वेश्चन नंबर 5th, द ऑथर मैंशंस वॉलमार्ट इन द एंड ऑफ द पैराग्राफ 3 इन ऑर्डर टू इंडिकेट डैट, अभी आप पढ़ के आए हो कि वॉलमार्ट को वो पैराग्राफ 3 में क्या इंडिकेट करने के लिए मैंशन कर रहा है। ए, वॉलमार्ट लॉस्ट रिवेन्यूज मोर देन एनी अदर कंपनी, यानी रिवेन्यूज़ का मतलब होता है कि जो आमदनी आ रही होती है क्या, या जबकि पीछे ध्यान से ज़रा देखिएगा कि उसने यानी जो पैसेज है उसकी सेकेंड लास्ट लाइन की तरफ देखिएगा, यहाँ पे जो शिफ्ट की बात हो रही है वॉलमार्ट की, वहाँ पे वो ये बता रहा है कि सर्विस इंडस्ट्री थी और जब इसमें इसकी तरफ ज़्यादा फोकस हुआ तो उनकी जो फर्म्स थी और उनकी जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ थे वो बेहतर होना शुरू हुए थे। तो यहाँ देखें कि क्या लॉस्ट रिवेन्यूज मोर देन एनी अदर कंपनी, तो ये बात क्रॉस हो जाएगी। वॉलमार्ट डिक्लेयर्ड बैंक्रप्सी अर्लियर दैन द बैंक्स, क्या वॉलमार्ट ने जो डेट्स थे दूसरे बैंक की नस्बत ज़्यादा पहले डिक्लेयर करना शुरू कर दिए थे। सी, इट हायर्ड मोर एम्प्लॉयज़ दैन एनी अदर कंपनी, सी इज़ द करेक्ट वन, ठीक है सी पे टिक करेंगे और डी भी देखेंगे। लेकिन इट फायर्ड अबाउट 1.4 मिलियन एम्प्लॉयज़ इन 2009, नो उसने फायर नहीं किया था बल्कि हायर्ड किया था। नंबर 6, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पीरियड बिटवीन 2000 एंड मे 2009, ये वही पैराग्राफ है जो भी आपने रीड किया था। US hired more than 5.25 million employees in manufacturing sector. US lost 5.25 million employees in agriculture. US lost 5.25 million employees in service sector. US lost million of employees in 2009. Yahan par hired ki to ab baat nahi ki gayi, theek hai, 2000 se 2009 mein. पहला ए ऑप्शन तो आपका वहीं पे क्रॉस हो गया। बी में देखें, 5.25 मिलियन एम्प्लॉयज़ इन एग्रीकल्चर, ठीक है क्या उसने एग्रीकल्चर में लॉस्ट किए थे, नहीं। इसके बाद देखें, यूएस लॉस 5.25 मिलियन एम्प्लॉयज़ इन सर्विस सेक्टर, क्या सिर्फ सर्विस सेक्टर के अंदर 5.25 मिलियन एम्प्लॉयज़ उसने लॉस्ट किए। और डी में देखें, US lost million of employees in 2009, आपका डी ऑप्शन करेक्ट बनता है क्योंकि पैसेज में भी अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ पर वो इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि सिर्फ बिटवीन दिसंबर 2000 एंड मई 2009 US lost more than 5.25 million employees in manufacturing sector, ठीक है यानी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उसने 5.25 million जो employees हैं वहाँ lost किए थे। तो इसका मतलब है सिर्फ उसने वहाँ तो नहीं किए, इस एग्रीकल्चर में भी हुए होंगे, दूसरे सेक्टर्स में भी हुए होंगे, तो इट्स मीन ये फिगर आपका एक एक्यूरेट नहीं है। तो आपकी करेक्ट ऑप्शन बनती है लॉस्ट मिलियन ऑफ एम्प्लॉयज़। 7, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अडॉप्टेड एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ठीक है
पैराग्राफ फोर की पैराग्राफ फोर के फर्स्ट सेंटेंस या फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग कौन सी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन जो था वो चूज़ किया गया था। यहाँ पे आपने उसको रीड भी किया था जिसमें लिखा हुआ था कि वो आपका दिस म्यूचुअल फंड्स पे था। रीड भी कर लेते हैं। दिस कॉज चेंजेस टू अकर इन पेंशन फाइनेंसिंग एंड पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, सो यहाँ पर आपका आंसर बहुत क्लियर है कि इसमें म्यूचुअल फंड्स की बात हुई थी। ठीक है, पेंशन फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स और ये जो मॉर्गेजेस है एंड लॉटरीज है, इसका जिक्र इसमें इस तरह से नहीं था क्योंकि फंडिंग की गई थी उसके साथ फिर आपकी पेंशन फाइनेंसिंग और दूसरी चीज़ें जो थी रिलेट कर रही थी। द लास्ट वर्ड ऑफ पैराग्राफ फोर, यानी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट, द लास्ट वर्ड ऑफ पैराग्राफ फोर आउटसोर्स्ड मी विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये आपका स्कैनिंग के साथ है। फौरन से जो पैराग्राफ फोर है उसमें आप अगर देखें तो ये आउटसोर्स का वर्ड लास्ट में यूज़ किया गया था। ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि इसको सब कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल करते हैं कि जब कंपनी अपनी कंपनी के अलावा दूसरी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर करती है सर्विसेज के लिए। जैसे यहाँ पे HR की उन्होंने बात की और IT डिपार्टमेंट्स की बात की। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो करेक्ट ऑप्शन बनती है उसको देखते हैं, दैट इज डी, सब कॉन्ट्रैक्टेड। लेकिन ज़रा दूसरी ऑप्शंस को भी देखें, ए, लीक करना जो देखने में ही क्वाइट इरेलीवेंट दिख रही है, बी, करटेल, स्टॉप कर देना, स्टॉप तो नहीं किया था उन्होंने बल्कि वो फ्लोरिश कर रहे थे और आगे जो है उसको एक्सटेंड कर रहे थे, टर्मिनेट करना, ख़त्म करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी डी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, ए, अमेरिका वॉज फेसिंग अ सीवियर फाइनेंशियल क्रंच, बी, द होल वर्ल्ड वॉज सफरिंग अ सीवियर फाइनेंशियल क्रंच, सी, अमेरिका हैड ऑलरेडी स्टार्टेड फाइनेंशियल रिवाइवल, डी, द ओनली सेक्टर डूइंग कंपैरेटिवली वेल वॉज सर्विस सेक्टर। ठीक है, अब देखें, अमेरिका वॉज फेसिंग अ सीवियर फाइनेंशियल क्रंच, बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि ये स्टेटमेंट नॉट ट्रू में तो बिल्कुल नहीं फॉल कर रही। बी में देखिए, द होल वर्ल्ड वॉज सफरिंग अ सीवियर फाइनेंशियल क्रंच। ऑब्वियसली आपने बहुत स्टार्ट में ही पढ़ा था इस पैसेज के कि जब अमेरिका के ऊपर डाउनफॉल आया तो उसके साथ पूरी दुनिया के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ा, तो बी ऑप्शन भी आपकी ट्रू है। ठीक है, सी, अमेरिका हैड ऑलरेडी स्टार्टेड फाइनेंशियल रिवाइवल, कि अमेरिका ने बहुत शुरू में ही अपनी रिवाइवल शुरू कर दी थी, यानी उसके उस यानी अगर उसके ऊपर डाउनफॉल आया था तो वो फ़ौरन से स्टेबल हो गया था। और डी, द ओनली सेक्टर डूइंग कंपैरेटिवली वेल वॉज द सर्विस सेक्टर। डी ऑप्शन भी आपकी बिल्कुल ठीक है क्योंकि आपने पढ़ा, अभी प्रीवियस ऑप्शंस में भी देखा, पैसेज में भी देखा कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर फील्ड से सर्विस इंडस्ट्री की तरफ मूव कर लिया था। तो डी के फाइनेंशियल रिवाइवल जो थी पहले से ही शुरू कर दी थी, ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो सी इसकी आपकी नॉट ट्रू स्टेटमेंट है और वैसे इसको आप टिक करोगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स द मेन आइडिया ऑफ पैसेज, के इन फोर ऑप्शंस में टेंथ जो आपका क्वेश्चन है कि इसमें मेन आइडिया क्या है। ठीक है, अब ऑब्वियसली आपने काफ़ी हद तक तमाम पैसेजेस को भी पढ़ा है तो आइडिया हो जाएगा ऑप्शंस को पढ़ के। ए, एम्प्लॉयज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कि क्या जो मेन आइडिया है सिर्फ वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देख रहा है। बी, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का इम्पैक्ट क्या रहा। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, सी में डिस्कस हो रहा है कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी कि बाद में जो सोसाइटी इंडस्ट्रियल बनी थी सिर्फ उसकी डिस्कशन हो रही है। डी, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, या मैन्युफैक्चरिंग के जो ओरिजिनल इक्विपमेंट्स हैं उसकी बात हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की बात हो रही है, क्योंकि जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए उसके बाद ये बाकी चीज़ें उसके साथ आप सब हेडिंग्स के तौर पर आगे लिंक ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मेन जो चीज़ थी आपकी वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी। होप यू गॉट द आइडिया।
उम्मीद है कि आपको इस कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस से काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा। अब आपने करना क्या है, आपने पैसेजेस को, आपको असाइनमेंट के तौर पे भी मिल रहे हैं पैसेजेस, उनके अंदर यही टेक्निक्स को यूज़ करें। जितना ज़्यादा इन टेक्निक्स को आप गो थ्रू करोगे, प्रैक्टिस में लेके आओगे, उतना ज़्यादा आपकी कॉम्प्रिहेंशन की जो एबिलिटी है और उसको सॉल्व करने का जो टाइम है वो आपका मिनिमम होता चला जाएगा, ठीक है, मिनिमम लेवल पर आता चला जाएगा। यानी कम टाइम में आप ज़्यादा MCQs को सॉल्व कर सकोगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे डिस्कशन होगी डिफरेंट और टेक्निक्स पे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।